Rahman Ibrahim. My name is Fatma Uthman and my instructor name is Mansata Chavez. Today my topic of discussion is trace chemistry. Trace chemistry is related to forensic science, which deals with the finding of trace evidences from crime scene. ट्रेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की इस ब्रांच को कहते हैं जिसमें क्राइम सीन से मिलने वाले ट्रेस एविडेंसेस को फाइंड किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है और उनका एनालिसिस किया जाता है ताकि केस को सॉल्व किया। व्हाट इज ट्रेस एविडेंसेस? द ट्रेस एविडेंस इज अ फिजिकल एविडेंस डेट कुड बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ वॉलेट क्राइम। इट इज इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल हेयर, सोयल एक्सेट्रा। ट्रेस एविडेंस कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्राइम सीन से मिले, लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, लाइक हेयर, सोयल, फाइबर, फिंगरप्रिंट्स, ब्लड, एंड इट कैन बी एनालाइज बोथ फिजिकली एंड केमिकली, यूजुअली कंडक्टेड बाय अ फॉरेंसिक केमिस्ट। ट्रेस एविडेंसेस का एनालिसिस जो होता है वो एक एक्सपर्ट फॉरेंसिक केमिस्ट ही करता है। नाउ द कैटेगरीज ऑफ ट्रेस एविडेंसेस आर बायोलॉजिकल एविडेंसेस। बायोलॉजिकल एविडेंसेस में आ जाते हैं ब्लड, नेल, हेयर एंड लेटेंट प्रिंट एविडेंसेस में फिंगरप्रिंट एंड फुटप्रिंट्स आ जाते हैं। एंड डिजिटल एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस क्राइम सीन पर मिलने वाले को पेपर को डॉक्यूमेंट्स वगैरह। नाउ व्हाट इज सैंपल्स? सैंपल कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो क्राइम सीन से हमें मिले, जिससे केस सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। देयर आर टू टाइप ऑफ सैंपल्स, कंट्रोल सैंपल एंड क्वेश्चन सैंपल। क्वेश्चन सैंपल, कंट्रोल सैंपल ऐसा सैंपल है जो क्राइम सीन से मिला होगा, एंड क्वेश्चन सैंपल ऐसा सैंपल जो ऐसे पर्सन से मिले जिसे हमें डाउट हो, या किसी भी ऐसी जगह से जहाँ से वो पर्सन गुजरा। ट्रेस एविडेंसेस को अब कलेक्ट किया जा कैसे किया जाता है? फॉर बायोलॉजिकल सैंपल्स, पेपर कंटेनर सच एज पेपर बैग्स, एनवेलप और बॉक्सेस। बायोलॉजिकल सैंपल्स क्योंकि ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, इनके कंटेमिनेशन का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें पेपर बैग्स, एनवेलप और बॉक्सेस वगैरह में कलेक्ट किया जाता है। पेपर कंटेनर्स आर आल्सो अलाउ दोज एविडेंसेस डेट आर नॉट कम्प्लीटली ड्राई और कंटिन्यू ड्राइंग। पेपर कंटेनर जो होते हैं वो एविडेंसेस को जल्दी ड्राई नहीं होने देते, इसलिए इनको कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फिंगर नेल्स आर आल्सो कलेक्टेड इन पेपर पैकेट्स। फिंगरप्रिंट इज कलेक्ट थ्रू द यूज ऑफ ग्रे और ब्लैक मैग्नेटिक पाउडर। शू एंड टायर प्रिंट आर कलेक्ट बाई यूजिंग डेंटल स्टोन। इलेक्ट्रॉनिक्स आर टेकन फॉर एग्जामिनेशन बाई टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर फर्दर एविडेंसिस। डॉक्यूमेंट आर आल्सो टेकन फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। अम्यूनेशन एंड वेपन्स आर टेकन फॉर मैचिंग टू वॉन्ड्स एंड बिलिस्टिक्स। फोटोग्राफ्स ऑफ टूल्स एंड मार्क्स आर टेकन बिकॉज दे कैन बी मैच टू अ वेपन एट टाइम लेटर टाइम। Of trace evidences, there are many techniques used to analyze these evidences. Few are following: gas and high pressure liquid chromatography. Evidences, क्योंकि evidences में बहुत से जैसा कि soil है, soil के अंदर बहुत से particles होते हैं, contamination बहुत ज़्यादा होती हैं, impurities। इन impurities को दूर करने के लिए gas chromatography और liquid pressure chromatography को use किया जाता है, and mass chromatography। mass chromatography जो है ये particles को मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है पार्टिकल्स को इनके मैस की बेस पर सेपरेट करती है, एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में जब एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, उनको अब्जॉर्ब किया जाता है और फिर इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया जाता है। फ्रॉम माई साइड।